भाई ये देख लो फॉग लैंप दोनों चल रही है। अभी हम गाड़ी में जो काम करा रहे बता देते भाई, एक तो हम करवा रहे नीचे फ्लोरिंग और यहाँ पे करवा रहे स्पीकर एड, ब्लू पंकेट जो आते है वो स्पीकर है, इसमें अभी फॉग लैंप भी एड करवा लेते हैं भाई। आगे दम थोड़ी अजीब सी लगती है बिना फॉग लैंप की, बाकी हमारा रात रात नाइट वाइट में चलना हो तो भाई फॉग लैंप जरूरी है। वैसे तो इसका लाइट जो थ्रो भाई काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी थोड़ा और अच्छा हो जाएगा भाई। बाकी भाई हम पीछे करवा रहे इसमें स्पीकर, देखना भाई खिड़की कहाँ रख दी तो भाई वो करवा देते हैं, कपलर टू कपलर फिटिंग करवाई हम। फ्लोरिंग के लिए भाई पूरी ये उतरेगी भाई, फ्लोरिंग हमारे पूरी सीट हटेंगे ना, सीट उतरेंगे ना फ्लोरिंग होगी जब, हाँ ये सारी सीट, तो भाई फ्लोरिंग के लिए सीट हटाई जाएगी पूरी। गाइस फिलहाल फॉग लैंप लग चुके हैं अपने भाई, इसके ऊपर जो कवर आता है वो कवर और लगना बाकी है भाई। इनका प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, वैसे ज़्यादा फर्क लग नहीं रहा भाई गुड़गांव तक, क्योंकि भाई अभी करोल बाग जो मेन बाजार है वो आ गए गाड़ियों का, ये बस स्टार्टिंग है, तो फर्स्ट शॉप थी तो हमने यहीं रुके क्योंकि आगे भाई ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो भाई कार मार्केट है सामने, और भाई वैगनार देखो भाई हेलो है, देखते भाई सीट का अभी प्लान कर रहे हैं, क्या समझ ना रहा लगाऊ ना लगाओ यार, नहीं वाली फीलिंग नहीं पन्नी उतर जाएगी तो, बाकी सीट कवर भी अपने ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, स्पीकर और फ्लोरिंग हो रही गाड़ी में। सो गाइस अभी हमने जो गाड़ी में काम करवाया वो भाई एक करवाई मैंने फ्लोरिंग, देखो दिखा देता हूँ मैं, ये फ्लोरिंग हुई भाई और दो स्पीकर लगे हैं, आगे फॉग लैंप लगे हैं और भाई, तो भाई ये है फॉग लैंप, अभी इनको वो दिखा दे जला के भाई कैसे लग रहा है देखने में। बाकी भाई देखता हूँ फर्स्ट पे चलते हैं सेकेंड पे चलते हैं, वो देख लेते हैं अभी। तो भाई ये देख लो फॉग लैंप दोनों चल रहे हैं अपने, और भाई सीट कवर का सीन क्या है भाई, सीट कवर अभी हम इसलिए ना लगा रहे भाई, नई वाली फीलिंग भी लेनी चाहिए ना कुछ दिन, तो उस वजह से सीट ना लगवा रहे हैं। बात भाई ये है कि बकेट सीट जो लगते हैं भाई वो सीट को फाड़ के लगते हैं, तो हम सोच रहे हैं बलैर वाला सीन ही भाई बिल्कुल, पर देखते जैसे भी बनती है बात। फिलहाल भाई ने कॉस्ट बता देता भाई, स्पीकर दो लगे हैं वो है ब्लू पंकेट नाम की जो कंपनी आती है उसके हैं, वो पड़े भाई हमें 1800 के, 6 इंची आते हैं, और भाई जो फ्लोरिंग हो रही है वो 1400 की हुई है, और फॉग लैंप भाई 1600 के हैं, और 400 रुपये का काटना है भाई वो भी हमने रख रखे पीछे, क्योंकि दिल्ली में इन पे कटता है चलान। अभी भाई हम करोल बाग में ही हैं, अभी टायर देखने जाएंगे भाई बलैरो के लिए भी, तो भैया बता रहे हैं आ गए है वो, तो भाई चलते हैं सीट बेल्ट लगा लेते हैं भाई। तब भी सोच रहे हैं दो बंदा ब्लैक जेड पूरे उसमें ले डोला थी इसमें, वो यहाँ काट लगाने से डर रहा है ना कि भाई गाड़ी का बहुत फ़र्क हो जाता है भाई, बट अभी नई नई गाड़ी हम क्यों अपना वो करें, टाइम खराब तो चल रही है, अभी चलते हैं आते हैं हैप्पी सीट बेल्ट लगा लगे ना वही। सो गाइस अभी डलवा लेते हम सीएनजी, और भाई ये वार्निंग लाइट आ रही है पता नहीं किस चीज़ की है, अभी पता चलेगा शायद सीएनजी कम है या तो इसकी हो सकती है, और भाई गाड़ी चल चुकी है अपनी 364। तो भाई जो ज़रूरी काम था वो था भाई फ्लोरिंग, वो मुझे बहुत ज़रूरी करवानी थी भाई, क्योंकि कपड़ा गंदा हो जाता है यार फिर, मतलब वो साफ़ नहीं होता, मिट्टी मिट्टी अलग दिखती है फिर उसमें हमेशा। बलैरो में भी आप लोगों ने देखा होगा वो भाई, बलैरो में अभी तक कुछ करवाया नहीं है, मैट है मैट साड़े ऐसे ही है, सॉरी गाड़ी निकल रही है आजकल पता ना के आ रखे ना। तो भाई सभी आ चुके हैं मराना टायर करोल बाग भाई, और अपने टायर मंगवा चुके हैं, ये हमारे टायर भाई मैं हूँ बाहर का, बाहर के लिए सारी भाषा मैं हूँ पाकिस्तान का,
मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ भाई, सीधी बात है, श्रीलंका से आ रहा हूँ मैं, आगरी हूँ, तुम यहाँ के भाई, ठीक है। सुनो भाई अब सब बात छोड़ो, अब आप बताओ आप कहाँ जाओ। अच्छा मैं तो चाहूँ चालान करना छोड़ दिया यहीं इसके घर पे। और भाई करीब 11:30 का टाइम हो रहा है, 11:09 हो रहे हैं बाकी। और भाई अब हम भी चलेंगे घर को। और भाई आज बहुत कुछ क्या क्या टाइम कट गया भाई, पूरा इतने जाऊँगा चला गया पूरा टाइम ऐसे ही। हाँ तो हम जल्दी जाते भाई, फिर हम बुआ के चले गए थे। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।